हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू मुकेश सर चैनल। फ्रेंड्स, अगर एमएसटी सीटी में आपको 80% से अबो परसेंटाइल है और आप चाहते हैं कि कम फीस में आपका एडमिशन हो जाए, तो आपके लिए सही ऑप्शन होगा गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग नागपुर। फ्रेंड्स, इसका फीस बहुत कम है, आपको मैं जल्द ही बताऊंगा। सबसे पहले हम इसका इंफॉर्मेशन जान लेते हैं। ये रहे प्रोग्राम्स, प्रोग्राम के डिटेल्स और ये सिलेक्शन प्रोसेस जो कि होता है एमएसटी सीटी थ्रू होता है इसका सिलेक्शन, आपका सिलेक्शन। प्रोग्राम देख लेते हैं। बीई इन सिविल इंजीनियरिंग, ड्यूरेशन 4 ईयर, इनटेक कैपेसिटी 60, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 50% इन 10+2 विथ फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ। बीई मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ड्यूरेशन सेम है, सब सेम है एज इट इज़ है। बीई इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, सब सेम है इसका भी। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग रहा। बीई इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन, साइंस एंड ह्यूमैनिटीज, साइंस एंड ह्यूमैनिटीज, ये है 3 साल का, अगर कोई करना चाहता है तो कर सकता है, ठीक है। अब इसके आगे हम, हाँ, ये परसेंटाइल, ये राउंड 1 का, ये राउंड 2 का, आप परसेंटाइल देख सकते हो, 90% के बीच में परसेंटाइल है, 90% या 85 से अबो है, 80% भी मिल सकता है, आपको मैं बताऊँगा, ठीक है। अब ये बीई इन सिविल जो भी ब्रांचेस है उनका एक कट ऑफ था, आप डिटेल में जाएंगे, कैटेगरी के हिसाब से जाएंगे। अभी कोर्सेज और फीस आप देख सकते हो, फीस कितना है, लगभग 27,836 फर्स्ट ईयर फीस, 27 मतलब आप 30 मान लो यार, 5-10% तो बढ़ता है फीस, तो आप 28,000, 29,000, 30,000 जो भी मानना है मान लो, लेकिन एज कंपेयर टू अदर कॉलेजेस दिस कॉलेज इज वेरी गुड। अगर फीस के बारे में चर्चा की जाए तो ये कॉलेज बहुत अच्छा है। आप रिव्यूज देख सकते हो बच्चों के, बहुत सारे पॉजिटिव रिव्यूज है, देखना है क्या यार। हाँ, प्लेसमेंट एक्सपीरियंस, एज आई एम इन माय फर्स्ट ईयर आई डोंट हैव दैट मच नॉलेज अबाउट प्लेसमेंट, बट आई हर्ड दैट कंपनीज लाइक विप्रो, टीसीएस, अदानी इलेक्ट्रिसिटी, बिज साइंस सॉल्यूशंस एक्सेट्रा, द हाईएस्ट पैकेज वाज 44 लाख, हाइस्ट पैकेज वॉज 44 लाख, द एवरेज पैकेज इज अबाउट 4 लाख। यू कैन गेट एडमिशन टू दिस कॉलेज थ्रू एमएसटी सिटी, द अलॉटमेंट इज डन थ्रू एमएसटी सिटी कैप राउंड्स, कट ऑफ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन फॉर ओपन वॉज 90.16%। जो ओपन कैटेगरी के है वो सुन ले कि 90% तो होना चाहिए। द कट ऑफ इज इंक्रीजिंग एवरी ईयर, हर साल कट ऑफ बढ़ रहा है। डिटेल्स अबाउट एडमिशन आर गिवन ऑन द ऑफिशियल, ठीक है वही तो चल रहा है। प्लेसमेंट एक्सपीरियंस का भी, प्लेसमेंट एक्सपीरियंस इसने भी क्या बोला है, 44 लाख बोला इस बंदे ने भी, मतलब जो उस बंदे ने बोला था वही ये बंदा बोल रहा है, समझे, मतलब कुछ झूठ नहीं यार। इन थर्ड ईयर स्टूडेंट गेट्स एलिजिबल फॉर इंटर्नशिप एंड फोर्थ ईयर फॉर कैंपस प्लेसमेंट। थर्ड ईयर में जब आप होते हो तो आपको इंटर्नशिप मिलता है और फोर्थ ईयर में कैंपस प्लेसमेंट होता है। टीसीएस, वेप्रो, बजाज, अदानी, सोनी, जोहो, बायजूस, मैनी मोर, टोटल 300+ ऑफर्स वेर मेड दिस ईयर, ये 2022 मई 27 22 अभी का डेटा है, लेटेस्ट डेटा। हाईएस्ट पैकेज इसने भी क्या बोला, 44, और क्या है आप देख पढ़ सकते हो यार, हर चीज बताने का थोड़ी है। अब कट ऑफ देख लेते हैं, कहाँ गए भाई, एक मिनट रुक जाओ, अब कट ऑफ देख लेते हैं इसका क्या है, बस अरे भाई किधर, हाँ ये रहा, ये रहा कितना जी, हाँ अच्छा, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग 2022 राउंड 1, ये राउंड 1 का आपके सामने आप देख सकते हो। ईडब्ल्यूएस का देख लो यार, 75, 79, 87, 94, 80 देख लो, कितना कम है, मैंने कहा था 80, मैं 80 कहा था लेकिन 80 से भी नीचे है। एनटी, ओके, जनरल आप देख सकते हो, कैटेगरीज के बारे में बता चुका हूँ, आपको पॉज करना है, आप कट ऑफ देख सकते हो कितना नीचे है यार, ये देखो कितना नीचे, वो भी फर्स्ट राउंड में इतना कम, इससे बढ़िया तो कॉलेज कोई होगा नहीं शायद महाराष्ट्र में। ये लो पीछे लेता हूँ थोड़ा, देख लो, पॉज करो धीरे धीरे, बहुत कम है यार, ये तो 18 देखो यार, 18 मतलब लगभग यार 80% तो होना जरूरी है भाई,
80 परसेंटाइल होना ज़रूरी है, इतना कम हो भी राउंड वन में। अभी तक देखा नहीं मैंने किसी कॉलेज का, लेकिन इस कॉलेज का अच्छा है। ये राउंड टू का देख सकते हैं आप, राउंड टू ये रहा। अब धीरे धीरे देखना है EWS, आप देख सकते हो राउंड टू का 27, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का कितना कम है, और ये सिविल का देखो यार, सिविल का भी कितना कम है। और गवर्नमेंट कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज याद रखो। हॉस्टल वगैरह फ्री में होता है, मतलब फ्री में नहीं, मतलब एक कॉस्टली प्राइस होता है, ज़्यादा महंगा नहीं होता है। आप देख सकते हैं आपको स्कॉलरशिप फ्री चीज मिलती है तो आपका काम चल जाता है फ्रेंड्स, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। परसेंटेज अच्छे हैं तो आपको फर्स्ट चॉइस जो है ना वो नागपुर होना चाहिए मेरे ख्याल से। अगर आप महाराष्ट्र से है तो नागपुर आपका फर्स्ट चॉइस होना चाहिए। आप ये परसेंटाइल देख सकते हो। अब प्लेसमेंट इसके बारे में बता चुका हूँ, लेकिन और भी कहा है क्या कुछ, प्लेसमेंट के बारे में देख लेते हैं। फर्स्ट ईयर, ये फर्स्ट ईयर का बंदा है, आई डोंट हैव मच नॉलेज अबाउट प्लेसमेंट, ये 44 लाख का बोला था, ये वही बंदा है। और क्या देखते हैं अभी कोई और पॉजिटिव है क्या। 50% गेट प्लेस, नियरली 50% ऑफ स्टूडेंट्स गेट प्लेस। आपको अगर इंजीनियरिंग दिल से करना है ना फ्रेंड्स, तो ये कॉलेज बहुत अच्छा है, आपका प्लेसमेंट पक्का है। बाकी आप पढ़ लेना यार, अलग अलग कंपनीज है। देखो 44 लाख आप हर जगह दिख रहा है आपको, तो ये इतना बड़ा पैकेज है, 300+ कंपनीज है ऑफर करती है। और CS ब्रांच के ज़्यादातर स्टूडेंट्स प्लेसमेंट उनको मिलता है, CS ब्रांच वालों को, तो CS ब्रांच आपका फर्स्ट चॉइस होना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है, कंपल्शन है, आपका दिल जो कहता है वो करो। आप पढ़ सकते हैं रिव्यूज, वीडियो को पॉज करना है, बाकी आप वेबसाइट पे भी जाके चेक कर सकते हो। बताना मेरा काम था डिटेल में, आप स्कॉलरशिप्स इसके बारे में बहुत बता चुका हूँ, फिर भी बताना मेरा काम है। आप देख सकते हो 27,000 फीस होती है। द फीस ऑफ आवर कॉलेज आर वेरी लेस एज कंपेयर टू एनी अदर गवर्नमेंट कॉलेज इन महाराष्ट्र। मैंने कहा था कि महाराष्ट्र एज कंपेयर टू अदर कॉलेजेस इन महाराष्ट्र, दिस कॉलेज इज फर्स्ट विच हैज लो प्राइस, लो फीस। कॉलेज फीस आर फॉर जनरल आर 27,000, OBCs 12,500, मतलब इसका हाफ, ठीक है। ST 3,000, हॉस्टल फीस आर 2,700 फॉर वन ईयर एंड मेस फीस आर 2,000 पर मंथ। आपका तो जो स्कॉलरशिप आएगा ना फ्रेंड्स, तो उसमें आपका चल जाएगा काम, आपको घर से पैसे लाने की जरूरत नहीं है। यू कैन गेट अ स्कॉलरशिप फ्रॉम द महाराष्ट्र गवर्नमेंट, फॉर दैट यू जस्ट हैव टू रजिस्टर एट महाडीबीटी वेबसाइट। ये तो आपको जब स्कॉलरशिप का फॉर्म भरना पड़ता है तो महाडीबीटी पे रजिस्टर लॉगिन करना पड़ता है और आपको अप्लाई करना पड़ता है। ये बाकी आप पढ़ सकते हो। स्कॉलरशिप में क्या मिलता है आपको, SC ST जो कैंडिडेट है उनको फ्री शिप मिलता है, स्कॉलरशिप मिलता है। जो EWS है, EWS वाले बच्चे OBC ओपन, उनके लिए ओपन वालों के लिए EBC होता है, और एक PWD मतलब क्या बोलते हैं उसको, ट्यूशन फी वेवर स्कीम TFWS ऐसा कुछ है, वो मैं बता चुका हूँ पिछले वीडियो में, आप देख सकते हैं। अब ये क्या आगे एक देखते हैं, हॉस्टल का बता चुका हूँ, फिर भी हॉस्टल का अलग ऑप्शन है तो कुछ डिटेल होगा वो देख लेते हैं। फ्रॉम द मंथ ऑफ फेब्रुआरी टू मार्च और कॉलेज कंडक्ट आदि एन ऑरेंज, एक कल्चरल इवेंट्स है। आप देख सकते हो मोस्टली द बुक्स आर अवेलेबल इन द लाइब्रेरी, बट इट इज देन यू हैड टू वेट फॉर 1 to 2 days टू हैड मैनी सोशल क्लब्स लाइक एस्ट्रोनॉमी क्लब, रोबोटिक्स क्लब एंड म्यूजिक क्लब, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। अलग अलग फैसिलिटीज है हॉस्टल, अलॉटमेंट ऑफ द हॉस्टल इज डन ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट, मेरिट के हिसाब से आपको हॉस्टल मिलेगा। द हॉस्टल इज टू अफोर्डेबल कॉज इट्स जस्ट इज मतलब 2600 रुपये में आपको मिल जाएगा। मैं तो पिछले अभी ये ऑप्शन में देखा था कि 2700 था कुछ, लेकिन 2650 ठीक है जो भी है, पर मेस यू हैव टू पे 2000 रुपीज पर मंथ। रूम्स आर ऑल्सो अवेलेबल नियर बाय फॉर 2000 to 3000। द क्वालिटी ऑफ मेस फूड इज ऑल्सो गुड इन द हॉस्टल रूम, यू विल गेट अ बेड एंड अ टेबल। बाकी रिव्यूज आप देख सकते हो, पढ़ लेना इस वीडियो को पॉज करके। फैसिलिटी हॉस्टल रूम आर स्मॉल,
2 persons per room. Hostel seats are limited, but a lot of PG options are available. Nearby hostel mess is not good. अभी कुछ रिव्यूज देते हैं, लेकिन आपको पढ़ाई से मतलब रखो यार, कुछ रिव्यूज थोड़ा निगेटिव भी होते हैं, जो भी है, लेकिन हाँ धीरे धीरे सुधार आता है हर चीज़ में. लेकिन बहुत अच्छा कॉलेज है, अगर आपको मार्क्स अच्छे हैं तो आप अप्लाई कर सकते हो. तो फ्रेंड्स, अगले वीडियो में एक इससे भी अच्छा कॉलेज देखेंगे, कि मैं ढूंढता हूँ अभी कौन सा अच्छा कॉलेज है, उसका फीस स्ट्रक्चर वगैरह, ताकि अफोर्डेबल हो आपके लिए. अभी महंगा महंगा तो मैंने बता दिया था, COEP था, ये था, वो था, कि हर किसी के बस की बात नहीं है कि आपको उनको COEP मिले. लेकिन ये कॉलेज जो है फ्रेंड्स, इसको अप्लाई करना आपको नहीं भूलना है अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं. तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.